मेहता साहब को पहले ही से इस बारे में डाउट हो रहा था और इसी वजह से वो जेठालाल से पूछे भी थे, सब कुछ सही तो है ना, और इसी वजह से जेठालाल कह देगा कि उसने रमणीक भाई से रात में बात भी किया है कॉल से और रमणीक भाई ने कहा है उससे कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। वेल गाइस, आप सभी को अब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर गायब हो जाने वाला है बाती। और दोस्तों, इस समय बाती गायब होने की वजह से पोपटलाल और सभी लोग कहने वाले हैं कि 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जेठालाल ने कहा था कि उसने यहाँ पर 30,000 की जगह वो 1,00,000 देगा, लेकिन दोस्तों ये दिवाली में उसने जो गड़बड़ किया है उस वजह से सभी लोग नाराज हैं। अब गाइस देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर बाती गायब हुई क्यों है और इसके पीछे का आखिर राज क्या है, क्योंकि अभी जेठालाल इतना इजिली पैसा देगा लेकिन यहाँ पर पैसा देने से पहले उसे यहाँ पर सच जानना भी है। अब गाइस देखना ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है आने वाला है स्टोरी, क्योंकि कॉल भी नहीं लग रहा होता है रमणीक भाई का। अब क्या उनका रमणीक भाई का कोई सरप्राइज है, क्या वो खुद आने वाले हैं या फिर होने वाला है कोई बहुत ही बड़ा स्पेशल सरप्राइज के साथ धमाका, आने वाला स्टोरी मिस मत करेगा आप सभी, देखना काफी कुछ होगा।